न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के बाद दिग्गज क्रिकेटरों ने अपने निशाने पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को रखा है। हाल में धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल उठने लगे हैं, कई दिग्गज ने बाहर करने की मांग करने लगे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि विश्व क्रिकेट में विकेट के पीछे धोनी जैसा फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन विकेट के आगे धोनी की जगह लेने के लिए कई स्टार खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। खासतौर पर अगर टी20 की बात करें तो ऐसे कई युवा और अनुभवी खिलाड़ी हैं जो धोनी की जगह टीम में ले सकते हैं। आईपीएल के आने के बाद टी20 क्रिकेट में कई प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों में सबसे खास रहा पार्ट टाइम विकेटकीपर की भूमिका, जिसने इस खेल को और भी बदल दिया। तो आपको बताते हैं उन विकेटकीपर बल्लेबाजों के बारे में जो आने वाले समय में धोनी की जगह टी20 क्रिकेट में खेलते दिख सकते हैं या फिर जिन्हें आजमाया जा सकता है। पहला नाम है दिनेश कार्तिक। धोनी के डेब्यू करने से पहले से दिनेश कार्तिक भारत के लिए खेलते आ रहे हैं। भारत के पहले टी20 मुकाबले में भी जीत कार्तिक के बल्ले से ही निकली थी, लेकिन समय के साथ साथ कार्तिक की जगह धोनी ने ले ली। लेकिन पिछले कुछ समय से कार्तिक ने अपना खेल काफी बदला है, जिसके कारण उन्हें टीम में जगह मिलने लगी। एक समय आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी रहे कार्तिक धोनी की जगह लेने में सबसे आगे हैं। इनके पास रक्षात्मक शॉट के साथ साथ आक्रामक बल्लेबाजी के भी गुण हैं। दूसरा नाम है रिद्धिमान साहा। टेस्ट क्रिकेट में धोनी की जगह लेने वाले साहा को कभी भारत के लिए टी20 खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन आईपीएल में इनके तूफानी खेल से सभी वाकिफ हैं। 33 साल के साहा के नाम आईपीएल फाइनल में शतक लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अब तक खेले गए 164 टी20 मुकाबलों में 14 अर्धशतक और एक शतक लगाया है। निचले क्रम में वो तूफानी बल्लेबाजी करने में भी सक्षम है। तीसरा नाम है केदार जाधव का। 8 साल टी20 खेलने के बाद 2015 में केदार जाधव ने भारत के लिए डेब्यू किया। इसके बाद से केदार जाधव को भारत का एक उभरता हुआ बेहतरीन बल्लेबाज माना गया। आईपीएल के दौरान केदार जाधव ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विकेट कीपर की भूमिका भी निभाई। उनकी इस भूमिका ने आरसीबी के खेल को काफी बदला। तेज बल्लेबाजी करने में सक्षम केदार पार्ट टाइम गेंदबाज भी हैं, साथ ही कप्तान कोहली के काफी करीब थी। चौथा नाम है भारत के लिए तीनों पॉइंट में शतक लगा चुके केएल राहुल। केएल राहुल पार्ट टाइम विकेट कीपर के सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आईपीएल में विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी के लिए राहुल ने विकेट के पीछे शानदार काम किया। तेज गति से रन बनाने के साथ साथ राहुल स्ट्राइक भी रोटेट करने में सक्षम है। इतना नहीं, राहुल अपनी बल्लेबाजी से एक मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। अभी तक खेले गए अपने 9 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मुकाबलों में राहुल ने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है। उनका औसत 50 का और स्ट्राइक रेट 150 के करीब है। तो राहुल धोनी की जगह सबसे बेहतरीन उम्मीदवार के रूप में दिखते हैं। पांचवा और आखिरी बड़ा नाम है ऋषभ पंत। भारत के भविष्य के सितारे के रूप में अगर किसी खिलाड़ी की गिनती होती है तो उसमें ऋषभ पंत सबसे आगे हैं। महज 20 साल की उम्र में अपने खेल की बदौलत उन्होंने काफी नाम कमाया है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जिसके कारण उन्हें टीम इंडिया में भी जगह मिली। हालांकि ऋषभ पंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी अपनी चमक नहीं दिखा पाए हैं, आने वाले समय में पंत भारत के नियमित खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ये हैं वो 5 खिलाड़ी जो टी20 में धोनी की जगह खेल सकते हैं। हालांकि वनडे टीम में फिलहाल तो धोनी का विकल्प कोई नजर नहीं आता। मिलम न्यूज रिपोर्ट।